तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दलित उत्पीड़न की और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर रामप्रकाश जी। रामप्रकाश जी, पीटीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रामप्रकाश जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा में दलितों की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं। हरियाणा में दलितों को हर प्रकार की सुविधा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, चाहे उनके आर्थिक उत्थान की बात हो, सामाजिक उत्थान की बात हो, राजनीतिक भागीदारी की बात हो, पढ़ाई में उनके बच्चों को आगे लाने की और रोजगार देने की बात हो, सब क्षेत्रों में हरियाणा में दलितों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है वर्तमान हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार के जमाने में। रामप्रकाश जी मैं रुकूंगा, डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। राम प्रकाश जी, ऐसा है कि आप ये देखें कि पिछले 8 साल में हुड्डा साहब की सरकार के बाद अखबारों में बहुत ज़्यादा खबरें आने लगी हैं कि मिर्चपुर में ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, पहले इतनी खबरें नहीं थी, तो इसका आप क्या कारण समझते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि आप हरियाणा में जो दलित की घटनाएं हैं उनका दूसरे प्रदेशों की घटनाओं के साथ तुलना कीजिए। नहीं, मेरा सवाल स्पेशल ये है, उसके साथ तुलना करके बात कीजिए। मेरा स्पेशल सवाल ये है कि आप देखिए कि पहले इतनी अखबारों में हरियाणा की खबरें नहीं थी, चाहे वो पीछे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो इनेलो की सरकार रही या कोई भी सरकार रही या अपना चौधरी बंसीलाल जी की सरकार रही, उस समय इतनी खबरें नहीं थी, ऐसी बातें नहीं थी, लेकिन अब जब से हुड्डा साहब की सरकार आई है तो अखबारों में बहुत ज्यादा ऐसा हो गया। उनके साथ क्या अत्याचार हुए वो किसी से छिपे हुए नहीं है। दलितों के ऊपर उस जमाने में अत्याचार भी होते थे, उन्हें बराबर का हक भी नहीं मिलता था और उन्हें डरा धमका करके चुप कराने की कोशिश की जाती थी। आज उनको न्याय दिया जाता है, उनकी पूरी बात सुनी जाती है, उनकी मदद की जाती है। और अगर इस बात की तुलना करनी है तो आज के वातावरण में दूसरे प्रांतों में जो स्थिति है उसके साथ आंकड़े लेके तुलना कीजिए, फिर आप देखेंगे कि हरियाणा में दलितों की स्थिति बहुत बेहतर है। रामप्रकाश जी, हमारे साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन राजकुमार वेरका जी भी हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है हरियाणा में दलितों की स्थिति पर, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा स्पष्ट कहना ये है कि इस काम में सब लोगों को मिलके जहां कहीं कोई बात हो जाए उस आग को ठंडा करके लोगों में आपसी भाईचारा बनाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, ना कि हम उसमें से कोई राजनीति रोटी सेकने का प्रयास करें। रामप्रकाश जी, वेरका जी आपसे सीधा सवाल करेंगे। वेरका जी। रामप्रकाश जी नमस्कार। नमस्ते बंधुवर। एक तो ये है कि मुझे खुशी इस बात की है कि आप एक दलित परिवार के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये इसमें कोई हम लोग पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते हैं, बहुत से केसेस में कोई शक नहीं कि ऐसा हुआ है। कि मैं भी जंतर मंतर पे कुछ दिन पहले गया था, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, हरियाणा के लोग बैठे हुए थे, तो मैंने लोगों को बिठाने से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपकी बात के पे ही आ रहा हूँ कि मुझे भी ये दिलाएंगे उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान गांव में जाके हर वर्ग के आदमी को साथ लेके शांति सभा बना करके सोसाइटी बना करके मिलवर्तन करने से होगा, अन्यथा नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दलित उत्पीड़न के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने बार बार लिख कर के भेजा है आप मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को भी कि वहाँ पे आप जो स्टेट शेड्यूल का कमीशन बनाइए, और हमने ये भी कहा कि आप वहाँ जो कमी रह गई है, क्योंकि वो अगर वहाँ पे स्टेट शेड्यूल का कमीशन होगा तो वो जहाँ जहाँ छोटी मोटी कोई घटना घटती है तो वो तुरंत जाकर के वहाँ जाकर देखेगा या वहाँ जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सेफ गार्ड ले लिए जाएँ, सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं, इसको जातिवादी रंग न दे करके आपस में मिलकर के समस्याओं का समाधान करने का जो तरीका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले समय में अपनाया है उससे गांव में शांति हुई है, और जहाँ कहीं कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है
उसका भी हल लोगों ने आपस में मिल के किया है। हर बिरादरी के आदमी ने दूसरे को अपने साथ लेके चलने का प्रयास किया है। चलिए राम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वीरका जी, राम प्रकाश जी तो बातों को बहुत गोल गोल कर रहे हैं, वो तो सीधे तौर पर अपनी सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, कितना सहमत? देखिए मैं एक राम प्रकाश जी की इस बात के लिए 100% सहमत हूँ कि हुड्डा सरकार ने दलितों के बारे में जो उनकी सोशल वेलफेयर स्कीमें हैं, उनको मकान बनाने के देने के लिए, सघन स्कीम के लिए, दूसरी स्कीमें जो एजुकेशन के लिए, बहुत बेहतर स्कीमें हैं दूसरी स्टेटों से। मैं हमेशा कहता हूं कि हरियाणा की स्कीमें दूसरी स्टेटों से बहुत बेहतर है। यहां बात तो सिर्फ है कि दलित उत्पीड़न जो दबंगों की ओर से हो रहा है, बेसिक तो सरकार ने रोकना है वीरका जी। मैं वही कह रहा हूं कि हमें चिंता सिर्फ उस बात की है, गवर्नमेंट के काम पे हम लोगों को कोई ऐसा शक नहीं है। गवर्नमेंट की ओर से जो कर रहे हैं उनकी बेहतरीन स्कीमें हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छी स्कीम जो है गवर्नमेंट ने चलाई है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई उत्पीड़न के बारे में होनी चाहिए, वो चीज़ अभी मैं सोचता हूँ कि वो और भी इसमें सरकार को सीरियस सोचना चाहिए इस पर। सूर्यप्रकाश जी, आप किस तरीके से देखते हैं राम प्रकाश जी की बातों को? देखिए, राम प्रकाश जी क्योंकि कांग्रेस के आदमी हैं, हुड्डा साहब के बहुत नज़दीक हैं। नहीं, इस चीज़ को तो आप मानेंगे कि हरियाणा सरकार, राम प्रकाश जी का ये कहना बनता था, वो अपनी बात अपनी जगह से बहुत अच्छी ढंग से कह रहे थे और ठीक कह रहे थे। हाँ, राम प्रकाश जी एक बात की, दूसरी बात में इसमें बड़ा दम था कि सब लोगों को मिलके समाज के अंदर जो द्वेष है इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बुद्धि वर्ग है, सब लोग हैं, सबको मिलके, क्योंकि इसमें समाज का हित है और सबका हित है। वीरका जी, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की बात कर रहे हैं सूर्यप्रकाश जी, कि सरकार को सख्त होने की जरूरत है, आपको नहीं लगता कि एक आम भावना है उसे भी बदलने की जरूरत है? अगर लोग समानता की तरफ बढ़ेंगे तो अपने आप इस तरीके के मामले कम हो जाएंगे। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को अपनी सेकी चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी मैं आपको ये बात बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सिर्फ हरियाणा में ही उत्पीड़न के केस हो रहे हैं, मैंने तो पूरा देश का विजिट किया है, पूरे देश के को देखा है, तो सभी जगह ही हालत बहुत दयनीय है और ख़राब हालत है। और क्योंकि हरियाणा के लोग दिल्ली के पास में हैं तो वो बहुत जल्दी मेरे पास पहुंच जाते हैं, कंप्लेंट भी है, जागृति भी लोगों में बहुत आई है, अवेयरनेस भी बहुत है। और मैं आपको ये बात कह दूँ कि कहीं पे भी ऐसी घटना होती है तो मैं ये दिल से ये कहता हूँ कि उसमें सब लोगों की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, सारी सियासी पार्टियों की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। वो अपनी सियासी रोटियां मत सेकें। मैंने जैसे आपको कहा कि जंतर मंतर पे भी मैं गया, लेकिन मैंने वहाँ पे भी जाकर के देखा है कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ भी इस पे रोल अदा कर रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की बजाय आप दलितों के हक की बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बात तो साफ है कि अगर मिलकर प्रयास किए जाएँ, सभी लोग एकता के साथ चलें और मिलकर करें प्रयास, तो शायद इसमें इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। राजकुमार वीरका जी और डॉक्टर सूर्यप्रकाश जी, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, अगले संडे फिर एक मुलाकात होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।